There is only one difference between dream and aim. Dream requires effortless sleep, and aim requires sleepless efforts. So, sleep for dreams and wake up for aims. Swami Vivekananda. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 15 दिसंबर 2022। कल रात को एफओएमसी रेट डिसीशंस था, जहां पे फेडरल रिजर्व हाइक्स यूएस रेट 50 बेसिस पॉइंट्स, स्लोइंग पीस बट कीपिंग हॉकिश आउटलुक। डॉलर इंडेक्स अभी है 103.69। कल रेट डिसीशंस के बाद ये 104 का लेवल को भी कन्विंसिंगली नीचे की तरफ तोड़ दिया है। दैट बीइंग द केस, अभी मंथली में जो आरएसआई है वो है अभी एट 56। ये आया है 80 प्लस लेवल से नीचे। दैट बीइंग द केस, आपका जो इट इज अप्रोचिंग द इमीडिएट सपोर्ट जोन ऑन मंथली टाइम फ्रेम व्हिच इज एट 102.30 से 104.00 लेवल पे। व्हाट इट मींस ऑन लॉन्गर टाइम फ्रेम, हमें थोड़ा सा केयर या कॉशन लेना है। वीकली इट हैज रेज्ड 40 आरएसआई एंड डेली इज सब 40। That being the case, on weekly time frame में क्या ये यहाँ पे support लेके थोड़ा सा reverse कर रहा है, ये हमें आने वाले दिनों में observe करना है। And daily terms में जो weakness हम देख रहे हैं, that being in such a scenario, any uptick may be sold। हालांकि dollar index हम is not a trading instrument, so इसका corresponding जो भी trading currencies है उसमें हम position build up कर सकते हैं। डॉलर रुपी 82.50 काफी सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग इसीलिए है, डॉलर इंडेक्स कहां से कहां तक आ चुका है लेकिन रुपी में सिमिलर मूव हम देख नहीं रहे हैं। दैट बीइंग द केस, यहां पे काफी अंडरलाइंग डिमांड बैठा हुआ है। डॉलर इंडेक्स के साथ जीबीपी डॉलर, यूरो डॉलर, इस सभी करेंसी पेयर के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसको काफी एप्रिशिएट होना था लेकिन हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक रेंज बनाया हुआ है। ऑन द हायर साइड इट इज 82.80 टू बी प्रेसाइज, 82.85। एंड लोअर साइड पे आपका है ये 82.15। इस रेंज के अंदर में ही ये फंसा हुआ है फॉर ए कपल ऑफ डेज। इसको अगर आइदर साइड मूव करना है, मींस बेसिकली अगर अप्रिशिएट करना है ऑन द लोअर साइड, तो इस रेंज से बाहर आना पड़ेगा पहले, देन एंड ओनली देन वी कैन थिंक अबाउट समथिंग, मींस कुछ एक अच्छा खासा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट लेट इट कम आउट ऑफ दिस रेंज। कौन सा रेंज है? 82.15 से 82.85 के बीच का जो रेंज है उससे बाहर आना पड़ेगा, प्रिफरेबली ऑन द लोअर साइड बाय सीइंग डॉलर इंडेक्स एंड अदर करेंसी पेयर्स। जीबीपी डॉलर अभी है आपका 1.2413। डेली में अच्छा खासा बुलिशनेस बरकरार है और यहाँ पे आप नॉन स्टॉप देखोगे हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन से, तो यहाँ पे तेजी बरकरार है। लेकिन ये तेजी में क्या हम करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं? उसके लिए थोड़ा सा हम हायर लेवल्स में देखते हैं। मंथली जो है वो आरएसआई एट 46, सो ए सब 40 से फ्रॉम 25-26 लेवल, ये 46 लेवल तक आया है। अभी आने के बाद इसमें थोड़ा सा साइडवेज, मींस ज्यादा कुछ ह्यूज मोमेंटम हम यहाँ पे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड
वीकली टाइम फ्रेम में ये काफी टाइम के बाद आरएसआई 60 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम 22 लेवल्स। दैट बीइंग द केस ऑन वीकली टाइम फ्रेम में इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए। कंसीडरिंग दीज टू इंफॉर्मेशंस ऑन डेली टाइम फ्रेम हमें पुल बैक के लिए इंतजार करना है एंड उसके बाद लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप करना चाहिए। जीबीपी आईएनआर बहुत बढ़िया मूवमेंट 102.54, इसमें भी आप देखोगे नॉन स्टॉप हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस बना रहा है आफ्टर 26th of September। तो इसको अभी कैसे, क्या करंट लेवल से लॉन्ग कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में जाते हैं। हायर टाइम फ्रेम में दैट मींस ऑन मंथली ये अप्रोचिंग 60, करेंटली एट 59.24 ऑन आरएसआई टर्म्स। दैट बीइंग द केस यहां पे मंथली टर्म्स में एक इमीडिएट मेजर रेजिस्टेंस है व्हिच इज एट 103.50 से 105.00, देर बिगी का एक रेजिस्टेंस जोन है। अब बोलोगे सर 102.50 है और भी 100 पिप के ऊपर आप 150 पिप का रेंज दे रहे हो, इट्स ऑन मंथली टाइम फ्रेम। वीकली में सुपर बुलिश है, इट ब्रोक अबव 60, करेंटली एट 67, ऑन डेली एट 77.50। दैट बीइंग द केस यहां पे हम देखेंगे कि सेंटर बैंड दैट इज द 20 पीरियड मूविंग एवरेज से काफी अवे है। सो करंट लेवल पे अगर हम लॉन्ग बिल्डअप करेंगे तो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड काफी खराब आएगा। इन सच ए केस हमें पुल बैक में बाय करना चाहिए। एनीवे डेली टाइम फ्रेम में कंटिन्यूअसली लोअर हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस में है, सो एनी पुल बैक वी मे लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज। यूरो डॉलर अभी है 1.0670, डेली टाइम फ्रेम में आरएसआई सुपर बुलिश है एट 70.33, वीकली पे जस्ट ब्रोक अबव 60 एंड करेंटली 63.56, एंड मंथली टाइम फ्रेम में जो आरएसआई है वो है आपका 45 में। सो मंथली में थोड़ा सा ये साइडवाइज रेंज में आया है, वीकली में ये सुपर बुलिश जोन में एंटर करने का जस्ट प्रयास कर रहा है। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस ऑन वीकली टाइम फ्रेम में हो सकता है वो है 107.75 से 108 के बीच में ऑन वीकली टाइम फ्रेम, बट डेली में सेंटर बैंड से काफी अवे है, आपका ऑलमोस्ट 2 बिगी अवे है। दैट बीइंग द केस हमें करंट लेवल पे अगर बाई करेंगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं रहेगा। सो एनी पुल बैक टूवर्ड्स द सेंटर बैंड हम लोअर टाइम फ्रेम में बाई करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अभी है डॉलर येन, डॉलर येन आपका 135.38 है। डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे 12 दिसंबर और 13 दिसंबर को ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा था लेकिन फेल हुआ। सो यहाँ पे और भी सेल ऑफ या वीकनेस बरकरार है, बट इमीडिएट जो सपोर्ट है वो है आपका रिसेंट स्विंग लो एट 133.75। वीकली में ये 45 में है, थोड़ा सा साइडवाइज बिहेवियर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डे मंथली पे इट इज अप्रोचिंग 60। सो यहाँ पे कमिंग कुछ दिनों के बाद एक लॉन्ग बिल्डअप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों? मंथली अप्रोचिंग 60 फ्रॉम अबव, वीकली 40 में सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे थोड़ा सा हायर हाई हायर लो का बिल्डअप हमें ऑब्जर्व करना है, देन एंड ओनली देन लॉन्ग प्रयास कर सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म में शॉर्ट बिल्डअप ये करंट लेवल पे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इंट्राडे या दो एक दिन के लिए आप
शॉर्ट करके पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो, लेकिन जो लोग बड़े टाइम फ्रेम में शॉर्ट बिल्डअप करना चाहते हैं, दिस इज नॉट द करेक्ट प्लेस टू बिल्ड शॉर्ट। थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, रेदर डेली टाइम फ्रेम में या 4 आवरली टाइम फ्रेम में या आवरली टाइम फ्रेम में, क्या ये हायर है, हायर लो फॉर्मेशंस बना रहा है, उसके ऊपर हमें नजर रखना चाहिए। येन आयनर आपका करेंटली 0.6090 है, डेली में सुपर बुलिश है, वीकली में फर्स्ट टाइम ये सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है, हालांकि अभी भी 2 ट्रेडिंग डेज बाकी है, 15th एंड 16th, एंड मंथली पे ये 46 में है। सो बाय द एंड ऑफ फ्राइडे क्या ये RSI 60 पे सपोर्ट ले रहा है, ये हमें देखना चाहिए। एंड डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे पुल बैक में बाइंग करने का प्रयास कर सकते हैं। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस हो सकता है वो है आपका 0.6150। डॉलर कैंडी अभी है 1.355। जैसे कि हमारा प्रीवियस एनालिसिस है, हम एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक डेली बेयरिश कैंडल दे ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे, लेकिन पिछले 2 दिनों से यहाँ पे फेल कर रहा है इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक देने के लिए। दैट बीइंग द केस, हमें और भी इंतजार करना है। वीकली में इट इज टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60, सो लॉन्ग बिल्डअप का कोई सवाल ही नहीं है। थोड़ा सा रेदर बाई सॉरी सेल ऑप्टिक्स हमें देखना पड़ेगा। मंथली में टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60, सो यहाँ पे एक शॉर्ट बिल्डअप के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ऑसी डॉलर 0.6859, डेली RSI एट 62, सो इट इज हॉवरिंग अराउंड 60, बेसिकली ऑन द हायर साइड 65 एंड ऑन द लोअर साइड 55, इसी में घूम रहा है। वीकली RSI अप्रोचिंग 60, करेंटली एट 54, मंथली साइडवाइज एट 45। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे ज्यादा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक साइडवाइज कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। इस रेंज में कुछ समय के लिए हम रेंज बाउंड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। CNH 6.928 काफी अच्छा है रुपी के लिए। डेली में बिलो 40 एंड इट हैज टेकन रेजिस्टेंस एट 40 ऑन 12th ऑफ दिसंबर, सो यहाँ पे और भी थोड़ा शॉर्ट पोजीशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली में 48 है, सो 40 सपोर्ट के लिए और भी रूम है यहाँ पे। एंड मेन मंथली में जस्ट ब्रोक बिलो 60 एट 56.94, सो यहाँ पे हम थोड़ा सा, एक तो है कि आपका एक रेंज बन रहा है ऑन द लोअर साइड 6.923, ऑन द हायर साइड आपका 7.01। सो फर्दर शॉर्ट करने के लिए इसके लो के नीचे कन्विंसिंगली ब्रेक करना चाहिए, एल्स एनी ऑप्टिक में बी सोल्ड हियर फॉर इंट्राडे एज वेल एज फॉर 1 टू 2 डेज ट्रेडिंग पर्पस। क्रूड अच्छा खासा ऊपर चला गया है फ्रॉम 75.3040 लेवल, करेंटली एट 82.55। अभी डेली में एक हम इमीडिएट रेजिस्टेंस लाइन देख रहे हैं, इसको ब्रेक करके ऊपर जाना है। अगर यहाँ पे ये जो सेलिंग स्ट्रीक है इसको ब्रेक करना है, तो जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस था 80.75 से 83.00, एक रेजिस्टेंस जोन था, उसी जोन के अपर एंड पे करेंटली ये बैठा हुआ है। अभी हमें आज या आने वाले दिनों में देखना है कि क्या ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर कन्विंसिंगली ब्रेकआउट करता है या नहीं। इन सच ए केस हमें बाय डिप्स करना चाहिए ऑन डेली टाइम फ्रेम। वीकली में ये 41 RSI पे है, थोड़ा सा ये 40 के आसपास सपोर्ट बिल्डअप करने का प्रयास कर रहा है। एंड मंथली में जो हम देख रहे हैं एक रेंज शिफ्ट का,
व्हाट इज दैट रेंज शिफ्ट, ये 60 पे रेजिस्टेंस लेके, एग्जैक्टली 60 है नहीं, ये एट 55 प्लस, सो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आने का प्रयास कर रहा है, देन बीइंग इन अ केस ऑन ए लॉन्गर टाइम फ्रेम, इसमें ज्यादा स्टीम नहीं है लॉन्ग के लिए, अच्छा ऑप्टिक में हम शॉर्ट कर सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में कंसोलिडेट करके बेस आउट करने का प्रयास कर रहा है, एंड डेली में थोड़ा सा ये टिपिकल रेजिस्टेंस लाइन है उसके ऊपर क्या क्लोज देता है वो हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी जो है आपका कल ये क्लोज दिया था 3.48 पे, यहाँ पे थोड़ा सा बेस आउट करने का प्रयास कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द रेंज शिफ्ट। आप देखो ये बिलो 40 से एट 40 सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है, दैट बीइंग द केस यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन टू बेस आउट करके ऊपर जाने का एक प्रयास कर सकता है यूएस 10-ईयर ट्रेजरी। तो ये आरएसआई डेली कैसे बिहेव कर रहा है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, वीकली में ये आपका रेजिस्टेंस एट 60 का प्रयास कर रहा है तो ज्यादा ऊपर जाने का आशा नहीं है, एंड मंथली पे एट 66 है, सो ये मंथली टाइम फ्रेम में सुपर बुलिश में है, आपका वीकली टाइम फ्रेम में ये थोड़ा साइडवेज टू लोअर मूवमेंट में है, एंड डेली में रेंज में शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा अलर्ट है यूएस 10-ईयर ट्रेजरी। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा, इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।